क्वेश्चन नंबर 4 है, स्केच द ग्राफ ऑफ, स्केच करना है ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का, इक्वेशन है 3x प्लस 2, इसका ग्राफ हमने स्केच करना है। सो सबसे पहले हम x पोज करेंगे, इसके रिलेटिव y की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को फिल करके हम ग्राफ बनाएंगे, एंड दैट्स ऑल ओवर टू यू। हम ये पहले भी सवाल कर चुके हैं रिव्यू में, दोबारा से कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1, बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसमें पुट कर गए, हमें स्ट्रेट लाइन पता है, हमें ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन को यहाँ से प्रूव करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स तो रिक्वायर ही नहीं होते, तो हम लेट इस तरह करते हैं कि सान से 3 पॉइंट ले लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस 2 ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं और एक 2 ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 2, 0 एंड 2, ठीक है। तो हम इस पर क्या फाइंड करेंगे, लेट दिस एंड फाइंड वाई, या क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y वी फाइंड फाइव। तो सबसे पहले अगर हम x क्या हो, माइनस 2 हो, तो y क्या बनेगा, y बन जाएगा 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2, 3 टू ज़ा 6, माइनस 6 प्लस 2 क्या बन जाएगा, माइनस 4, 3 टू ज़ा 6 एंड प्लस 2, माइनस 6 एंड प्लस 2, नेक्स्ट क्या आता है, जब x क्या हो, 0 हो, तो y क्या बनेगा, y बन जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2, 2, ठीक। और जो लास्ट है, तीसरा पॉइंट क्या सपोज किया, x इज इक्वल टू 2, तो y क्या लें हम, 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 टू 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, 8, तो ये हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स आ गए। तो अगर मैं टेबल बनाऊँ क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स का, टेबल क्या बन जाएगा मेरे पास, ठीक है, टेबल कुछ इस तरह बन जाएगा, एक्स के लिए वाई के लिए और एक्स के लिए वाई के लिए, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस 2 थी, तो वाई की वैल्यू क्या आई, माइनस 4 आ गई, ठीक है, इसका मतलब है कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ऑफ कोर्स थर्ड क्वाड्रेंट, अच्छा, और फिर एक्स की वैल्यू 0 हुई, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2, एंड लास्ट वन एक्स की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2.8, ठीक है। अब हम इसे प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पर, जो कि ये बनाया है, सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा, ये हमारे पास आ गए हमारे वाई एक्सिस, और स्केल क्या लूंगा, मैं स्केल ले लूंगा, 1 स्मॉल स्केयर रिप्रेजेंट 1 यूनिट, एक छोटा स्केयर, ठीक है, जिसमें एक बड़े स्केयर जिसमें 10 हॉरिजेंटल और 10 वर्टिकल क्या होते थे हमारे पास, स्केयर होते थे, हाँ, एक्स, ठीक है, एक्स डैश वाई, एंड दिस इज ओवर वाई डैश, एंड तो स्केल क्या ले रहा हूँ मैं, स्केल है 1 स्मॉल स्केयर री, क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट, तो इधर आपके पास 1, 2, 3, 4 आप लिख लें, लेबल कर लें जिस तरह हम पिछले सवालों में करते रहे हैं, पिछले सवाल मैंने कहते बताया था, तो ये माइनस 2 एंड माइनस 4, माइनस इस तरफ, इस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, एक्स और वाई भी माइनस होता है, तो दिस इज योर माइनस 1, दिस इज योर माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, एंड दिस इज योर माइनस वाई फॉर माइनस 1, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 एंड सो ऑन। तो x के अलावा हम 2 डिजिट मूव करेंगे, 1 और 2 पे डाउनवर्ड कितने, 4 डिजिट्स इन बॉक्स स्केयर्स, 1, 2, 3, 4, सो दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, माइनस 2 एंड माइनस 4, माइनस 2 एंड माइनस 4, ये वाला पॉइंट। सेकंड क्या है, जब x क्या है, 0 है, और y क्या है, 2, तो x 0 और y 2, सो इट लाई ऑन y एक्सिस, इसमें क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, तो ये पॉइंट बनेगा,
क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है, एक्स क्या है, जीरो है, और वाई क्या है, टू है. तो सेकंड पॉइंट ये आ गया, फर्स्ट पॉइंट ये था, और लास्ट पॉइंट एक्स क्या है, टू है, एक्स ये टू हो गया, और वाई क्या है, एट. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, एट लाइस है. अब इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन की मदद से, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे रिक्वायर. ठीक है, सॉरी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए इधर, ये पॉइंट था यहाँ से भी ये थी, और दिस इज दिस वन एंड. ठीक है, आप बिल्कुल स्केल रख के इसको स्ट्रेट इसी योग स्टैंड कर देंगे, ये ठीक है एक्सटेंड होगी स्ट्रेट, इसको बिल्कुल स्टैंड करना है यार. और यहाँ पे सात ऊपर सात के क्यों निकलेंगे कि किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का. अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये इसका रिक्वायर्ड ग्राफ बन गया.